बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मज़ेदार किस्म के मोमोज़, जिसको हम स्टीम में बनाते हैं। और इसके अंदर मैं चिकन यूज़ करी हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर श्रिम्प भी यूज़ कर सकते हैं। इस रेसिपी का ओरिजिन नेपाल है और इसको अब कई तरीक़ों से बनाया जाता है। मैं आपको इसको स्टीम करके बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसको मुख्तलिफ शेप में, जिस शेप में भी बनाना चाहें बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते और ना ये स्पाइसी होती है, लेकिन अगर आप इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें डालना चाहें तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलें, आइए हम बनाते हैं अपने मज़ेदार किस्म के मोमोज़। तो मोमोज़ बनाने के लिए हमें चाहिए, पहले हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। मैं आपको पहले डो की चीज़ें बता देती हूँ। इसके लिए हमें तकरीबन 2 कप मैदा चाहिए। अगर आप होल व्हीट यूज़ करना चाहते हैं तो आप होल व्हीट भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और थोड़ा सा नमक चाहिए, नमक आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। और हमें पानी चाहिए होगा गुनने के लिए। अब हम एक बाउल के अंदर आटा, नमक, ऑयल अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको हम पानी की मदद से गुन लेंगे। हमें एक सख्त सा डो बनाना है और हमें इसको बहुत ज़्यादा गुनना भी नहीं है। ये आटा गुन गया है, इसको अब हम कवर करके रख देते हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसकी फिलिंग के लिए हमें चाहिए, ये चिकन का फिले है जिसका मैंने कीमा बना लिया है। आप रेडीमेड कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 कप प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 3 से 4 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब अदरक है जिसको मैंने पीस लिया है, और इसके लिए हमें फ्रेश अदरक की चाहिए। और 1 टीस्पून के करीब सोया सॉस है। 1/2 टीस्पून के करीब सफ़ेद मिर्च है, आप इसकी जगह काली मिर्च या कुटी हुई मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। अब हमें एक बाउल के अंदर चिकन, प्याज, हरा धनिया, अदरक, सफ़ेद मिर्च, नमक आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम हाथों की मदद से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब डो को हम बेल लेंगे। मैं डिवाइड करूंगी डो को, इसके बाद मैं आधा बेलूंगी। और इसको पतला सा बेलने के बाद अब हम इसको सर्कल में काट लेंगे। और ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसके जितने बड़े सर्कल्स काटना चाहें काट सकते हैं। अब एक सर्कल लेकर मैं ये टूल के अंदर डाली हूँ, बाज़ार से मिल जाता है, आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहें तो आप इसको फोर्क की मदद से भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह करके इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मिक्सचर डाला है चिकन का, और इसको फोल्ड करके हम इस तरह करके निकाल लेंगे। इसी तरह करके हम बाकी दूसरे भी बना लेंगे। आप इसको पोटली की शक्ल में भी बना सकते हैं। इसके बीच में आमेज़ा रखकर हम सारी तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। और अगर आप टूल यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसके बीच में आमेज़ा रखकर इसको एक साइड से फोल्ड कर लें और इसको फोर्क की मदद से इसके साइड बंद कर दें। अब ये बना लिया इस तरह करके मैंने सारी। अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक पतीली के अंदर मैंने पानी डाला है और इसके ऊपर मैं ये चाइनीज़ स्टीमर यूज़ करी हूँ। ये बाज़ार से मिल जाता है, आप ख़रीद सकते हैं, या आपके पास जो भी स्टीमर है अपने पास वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी छन्नी को भी एज ए स्टीमर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ये पार्चमेंट पेपर बिछाया है और इसके अंदर अब हम ये रख देंगे थोड़े थोड़े फासले पे, थोड़ा सा गैप रखेंगे, क्योंकि जब ये स्टीम होती हैं तो ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की हो जाती हैं। इसको कवर करके हम तकरीबन 25 मिनट तक स्टीम करेंगे। अब ये हमारी स्टीम हो गई है, इसको अब हम निकाल लेंगे। आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ी सी बड़े साइज़ के हो गए हैं। अब हम इसे निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। आप इसको किसी भी अपने फेवरेट सॉस या हॉट सॉस, सोया सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अब आपको इसको रेस्टोरेंट में जाकर खाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको घर में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और आपने देखा ये कितनी आसानी और जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अब आप इसको अपने घर में बनाकर एंजॉय करें, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं और तारीफ़ें हासिल करें। आप इसको एपिटाइज़र के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं दावत वग़ैरह में, और एज अ साइड डिश के तौर पर भी इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक डिश के साथ। और अगर आपको कोई डिश बनवानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी। हम फिर मिलते हैं नेक डिश के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।
एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू एवरी वन।